नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। शामली के कस्बा गढ़ीपुख्ता में मोहल्ला जैनपुरी शामली के कस्बा गढ़ीपुख्ता के मोहल्ला जैनपुरी में रविवार को नया सवेरा सर्व फाउंडेशन संगठन कार्यालय उद्घाटन कस्बे के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कुमार ने फीता गाड़कर किया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें NSSF के सदस्यों ने अपने विचार साझा करते हुए संगठन को मजबूत करने पर बल दिया। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार मास्टर जी ने कहा कि संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत है। कार्यकर्ताओं की मदद से इसमें और चमक आएगी। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को किसी भी हालत में ठेस पहुंचने नहीं दी जाएगी। वहीं कार्यालय के कार्यकर्ताओं को सहूलियत होगी और इससे संगठन और मजबूत होगा। कार्यालय में संगठन के शीर्ष सदस्यता की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। कार्यालय उद्घाटन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार मास्टर, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार दक्ष शेरवाल एडवोकेट, राष्ट्रीय संगठन मंत्री सारिका जैन, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संदीप कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष गौरव कुमार आदि मौजूद रहे। जो हमारा संगठन है नया सवेरा सर्व समाज फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड है और जो रजिस्टर्ड होने के साथ साथ ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा और बहुत सारे जो हमारे सर्व समाज के गरीब लोग हैं, गरीब कन्याएं हैं, गरीब बच्चे हैं, सभी का सहयोग और साथ साथ जो हमारे बड़ों एवं वृद्धों का कल्याण हेतु काम करेगा। पशु चिकित्सा के जैसे गोहत्या वगैरह हैं, गायें बहुत सारी ऐसी हैं जो बीमार हो चुकी, उनके भी हित के लिए काम करेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है सर? सर, हमारे संगठन का उद्देश्य ये है कि हम सर्व समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे काम करें। जो संगठन चले हुए हैं उन संगठनों से हट के कुछ काम करें, पर्यावरण की सुरक्षा भी करें और साथ में सर्व समाज का जो उत्थान है उसके लिए हम तन मन धन से सहयोग करें। तो सर, इसमें कौन कौन लोग जुड़े हैं? सब बिरादरी के जुड़े हैं या? जी, हमारे संगठन में हर बिरादरी से आदमी जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे संगठन का नाम ही सर्व समाज संगठन है क्योंकि नया सवेरा सर्व समाज संगठन के नाम से हमारा जो संगठन रजिस्टर्ड हुआ है उसी में हम सर्व समाज के लोगों के हित के लिए ही काम कर रहे हैं। तो सर, हमारे चैनल के माध्यम से क्या-क्या संदेश देना चाहोगे? ये हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे सब लोगों को, सभी जितने भी हमारे जितने लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे, जितने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे, वे सभी लोग हमारे इस संगठन में सहयोग करें और संगठन के साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर चले, जिससे हमारे संगठन के साथ साथ सर्व समाज पूरे भारत में इस संगठन का नाम हो और संगठन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो।